हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इन चारों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीड ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ा, क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग को नेटवर्किंग करना पड़ता है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव एंड इफिशियंट नेटवर्क, यानी कि वह कौन सा इसेंशियल नेसेसरी कंडीशन है, क्राइटेरिया है जो किसी भी नेटवर्क को इफेक्टिव और इफिशियंट बनाता है। तो इन चारों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टूगेदर, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में एक साथ कनेक्ट हो जाए, टू शेयरिंग डेटा इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस इज कॉल्ड नेटवर्क। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हुआ तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। तो पर्पस क्या है, वो फाइल को शेयरिंग कर सकता है, रिसोर्सेस को शेयरिंग कर सकता है, डेटा को शेयरिंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकता है। तो उस जो कनेक्टेड कंप्यूटर होगा उसको हम लोग नेटवर्क के नाम से जानते हैं। रिसोर्सेस का मीनिंग यहाँ पे है, जैसे सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, और इनको नेटवर्क पे कंप्यूटर जो है ना शेयर करता है एक साथ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में हमारे पास दो सिस्टम है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं तो डेटा को शेयरिंग भी कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम लोग इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वायरलेस कर सकते हैं विदाउट वायर, जैसे वाईफाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि इन नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड आइदर बाई वायर्ड और वायरलेस, यानी कि वायर यानी केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और विदाउट केबल जिसको वायरलेस कनेक्शन कहते हैं वैसे भी हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। द नेटवर्क डिवाइसेस यूज सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि जो नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं, यानी कि अगर ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्किंग में है, मतलब ये है कि दोनों आपस में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकता है। अब इन दोनों को डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो गाइडलाइंस TCP/IP के द्वारा, TCP/IP रेफरेंस मॉडल के द्वारा दिया जाता है। तो उस रूल्स को फॉलो करता है, जिस रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द सिस्टम ऑफ रूल्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और इस सिस्टम के जो रूल्स होते हैं उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, और चूंकि इसको कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है इसीलिए इसको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि वह सेट ऑफ रूल्स जिसका यूज करके आप केबल के द्वारा या फिर वायरलेस, यानी कि आप कह सकते हैं वायर्ड या वायरलेस मीडियम से जो है ना आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग उस सिस्टम ऑफ रूल्स को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ए सर्वर इज मेन कंप्यूटर दैट मैनेज रिसोर्सेस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, उसमें एक जो कंप्यूटर होगा वो सर्वर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे बीच में आपको सर्वर दिख रहा है, और सर्वर ही जो है ना इन सभी कंप्यूटर में, यानी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उन सभी को मैनेज करने का काम करता है सर्वर। एनी यूजर ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेस स्टोर्ड ऑन द सर्वर, यानी कि अगर ये बीच में सर्वर है तो इसके पास जितने भी रिसोर्सेस होंगे, जैसे मेमोरी हो गया या इसके पास प्रिंटर है, तो उन सभी को जो है ना ये जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर है उन सभी को जो है ना ये शेयरिंग कर सकता है, यानी कि ये डाटा और इंफॉर्मेशन को या मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर कंप्यूटर के। और इन सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है कौन, सर्वर, और मैनेज करता है कौन, सर्वर। अब इस डिफिनेशन को आप समराइज करके देखेंगे तो आप सिंपल में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट करता है डेटा इंफॉर्मेशन या रिसोर्स को शेयरिंग करने के लिए, तो उसे हम लोग नेटवर्क कह सकते हैं। और ये कनेक्शन वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक सिस्टम ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, और उस सिस्टम ऑफ रूल्स को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और इस प्रोटोकॉल्स का यूज करके डेटा को ये ट्रांसमिट कर सकते हैं फिजिकल माध्यम से या फिर वायरलेस माध्यम से, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करके।
जो ये नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे सर्वर के नाम से जानते हैं। और सर्वर के रिसोर्स को कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और उसके इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकता है। यानी यूजर ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेस, यानी कोई भी यूजर, यानी कि जो बीच में एक सर्वर होता है और बाकी जितने भी कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग क्लाइंट के नाम से जानते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज नेटवर्किंग। हम लोग नेटवर्क समझे कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है, चाहे वो केबल से हो या विदाउट केबल हो, जिसको हम लोग वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। अब इसमें नेटवर्किंग किसे कहते हैं, तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग इन सभी कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज नेटवर्किंग। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप एमोंग कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और उनके बीच रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेस को शेयरिंग कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज नेटवर्किंग। द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्किंग इज ट्रांसमिटिंग और शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेस। इसका मेन पर्पस क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन को और रिसोर्स को शेयरिंग करना है। तो जब हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसको नेटवर्किंग कहते हैं, और जब बन के तैयार होता है उसे हम लोग नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क में एक सर्वर होता है जो सभी क्लाइंट सिस्टम को जो है ना रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयरिंग करने के लिए, जो है ना वो अलाउ करता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें नीड ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग तो हम लोग देखे कि आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं, लेकिन हम लोग करते ही क्यों है, आपस में बहुत सारे सिस्टम को हम लोग इंटरकनेक्ट करते हैं क्यों है, क्या कारण है, क्यों इसका जरूरत पड़ा, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। द नीड ऑफ नेटवर्किंग इज मेनली टू ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट। यानी कि इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि डिस्टेंस के बैरियर को, टाइम के बैरियर को और कॉस्ट के बैरियर को ब्रेक किया जाए। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक ये व्यक्ति इंडिया में है और दूसरा अमेरिका में है, और उन दोनों के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करना है, जैसे पिक्चर का शेयरिंग करना है, तो आप नेटवर्क के थ्रू उसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, आप उसमें ईमेल का यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस बैरियर नहीं है कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं, बहुत ही इजिली इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ऐसा आप करते हैं तो आपके टाइम का बचत होता है, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं होता है, और इसमें आपको कॉस्ट का भी बहुत बचत हो जाता है, क्योंकि आप कहीं जाते ही नहीं आप, तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो ये मेन बैरियर है जिसको ये ब्रेक करता है नेटवर्किंग की, डिस्टेंस मायने रखता है, आप इंफॉर्मेशन और डेटा को शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉलिंग करते हैं, किसी से कुछ बात करना है या कुछ पूछना है तो तुरंत हम लोग मोबाइल से कॉलिंग कर देते हैं, तो कॉलिंग कैसे होता है, नेटवर्किंग के थ्रू होता है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू जो है ना सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होता है, हम लोग बातचीत करते हैं, हमें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे हम लोग कॉल करके इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और कॉस्ट का बैरियर जो है ना ब्रेक होता है, इस कारण से हम लोग नेटवर्किंग का जरूरत पड़ता है। फॉर शेयरिंग रिसोर्सेस, एक्सचेंज फाइल्स और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यानी कि रिसोर्स को अगर हमें शेयर करना है, फाइल को एक्सचेंज करना है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए भी हम लोग को नेटवर्किंग की जरूरत पड़ा। नेटवर्किंग कैन इवन हेल्प यू फाइंड अनएडवर्टाइज जॉब इंटर्नशिप। यानी कि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसको आप नेटवर्किंग के माध्यम से जो है ना पता कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वी कैन इजिली एक्सेस द फाइल्स स्टोर्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उसमें जो वेरियस जो है ना वहाँ पे फाइल्स हैं उसको भी आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम नेटवर्किंग में है तब। नेटवर्किंग ऑल्सो अलाउ मेनी पीपल टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर्ड है उस डेटाबेस को एक ही समय में मल्टीपल जो है ना सिस्टम एक्सेस कर सकता है, अगर वो सिस्टम नेटवर्किंग में है तो। ये फायदा होता है जिसके कारण हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। यहाँ पे अगर इसको समराइज करके देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इसका जो बैरियर था डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट को जो है ना ये ब्रेक कर देता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल को एक्सचेंज कर सकते हैं और रिसोर्स का शेयरिंग कर सकते हैं, जॉब जो अनएडवर्टाइज है उसके बारे में पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कंप्यूटर में जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर है उसमें इजिली जो है ना इंफॉर्मेशन और फाइल का शेयरिंग कर सकते हैं और एक ही समय में
डेटाबेस से एक ही डेटा पे मल्टीपल कंप्यूटर जो है ना उसको एक्सेस कर सकता है और उस पे वर्क कर सकता है। तो इन सभी कारणों से जो है ना नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द थ्री नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव एंड इफिशियंट नेटवर्क। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके कंप्यूटर नेटवर्क में पूछा जा चुका है, तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि वह कौन कौन से नेसेसरी क्राइटेरिया है तीन जो नेटवर्क को इफेक्टिव एंड इफिशियंट बनाता है। तो यहाँ पे जो है ना तीन क्राइटेरिया मेनली होते हैं, परफॉर्मेंस यानी कि उस नेटवर्क का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और सिक्योरिटी होना चाहिए। यानी कि अगर ये तीन चीजें किसी भी नेटवर्क में अवेलेबल हैं तो उस नेटवर्क को हम लोग गुड नेटवर्क कह सकते हैं या इफेक्टिव नेटवर्क कह सकते हैं, इफिशियंट नेटवर्क कह सकते हैं। परफॉर्मेंस क्या होता है, तो इट कैन मेजर्ड इन मेनी वे, यानी कि परफॉर्मेंस को कई तरीके से मेजर किया जाता है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिट करने में कितना समय लगता है, रिस्पॉन्स कितने देर में मिलता है उस नेटवर्क पे। अगर ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, और शेयरिंग किए और कुछ ही समय में रिप्लाई आता है कि आपका डाटा जो है ना वहाँ पे पहुंच चुका है, तो रिलायबल नेटवर्क हो गया यानी कि इसका परफॉर्मेंस बेटर है। कभी ऐसा हो सकता है कोई ऐसा एप्लीकेशन हो जिस पे आप इंफॉर्मेशन को यहाँ से सेंड कर रहे हैं और 1 घंटे के बाद जो है ना आपको रिप्लाई मिल रहा है कि हाँ आपका इंफॉर्मेशन वहाँ पे पहुंच चुका है डेस्टिनेशन पे, तो वो उसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं हुआ। इस वे में भी आप इसको परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं। ट्रांसमिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ट्रांसमिट टाइम का मतलब होता है कि आपका जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो सेंड किए हैं वो यहाँ से ट्रेवल करने में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग ट्रांसमिट टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है इलेप्स टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड ए रिस्पॉन्स, यानी कि आप कब इंक्वायरी किए, कब डाटा को सेंड किए और आपको कब रिस्पॉन्स मिला, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क आर बैंडविड्थ, यानी कि जो मेनली नेटवर्क है उसका जो मेजरमेंट होता है परफॉर्मेंस का, तो हम लोग बैंडविड्थ से करते हैं, थ्रूपुट से करते हैं और लेटेंसी से करते हैं। बैंडविड्थ का मतलब होता है उसका ट्रांसमिशन स्पीड कितना है, किस स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है। थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना सेकेंड में कितना टास्क वो कंप्लीट कर सकता है। लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना टाइम डिले है उसके अंदर, अगर टाइम डिले नेग्लिजिबल है तो बेटर है, अगर टाइम डिले ज्यादा है तो क्या होता है बेटर नहीं है। तो इस रूप में भी किसी भी नेटवर्क के परफॉर्मेंस को कंसिडर कर सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं कि वो नेटवर्क बेटर है कि नहीं। तो पहला तो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे, अगर परफॉर्मेंस बेटर है तो नेटवर्क बेटर होगा, अच्छा होगा, इफेक्टिव और इफिशियंट होगा। सेकंड होता है रिलायबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क टू ऑफर द सेम सर्विस इवन ड्यूरिंग ए फेल्योर, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए रिलायबिलिटी होना चाहिए। मतलब कि आप कुछ डाटा को शेयर कर रहे हैं और वो फेल्योर होता है तो तुरंत जो है ना आप फिर से ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिर से हम शेयरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार फेलियर हो गया तो अब वो कहा जाए कि नहीं आपको जो है ना 24 आवर के बाद ही शेयर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुरंत जो है ना आपको विद इन द सेकेंड जो है ना आपको फिर से जो है ना ऑप्शन आ जाना चाहिए कि आप फिर से आपको शेयरिंग कर सकते हैं, चूंकि फेलियर हो गया है तो नेटवर्क को हम लोग रिलायबल नेटवर्क कह सकते हैं। द एक्यूरेसी इज मेजर्ड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, जो उसका एक्यूरेसी होता है उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर पे मेजर किया जाता है। द टाइम इट टेक्स ए लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेल्योर, यानी कि कितने टाइम में जो है ना वो फेल्योर को फिर से रिकवरी कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी, यानी कि नेटवर्क पे सिक्योरिटी होना चाहिए, आप जो डाटा को शेयर कर रहे हैं वो लॉस नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए और डाटा कभी भी अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डाटा को शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के पास और बीच में दूसरा कोई जो है ना उसको अनऑथोराइज एक्सेस कर ले तो हमारा जो है ना इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी इशू इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, यानी कि जो में नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि नेटवर्क पे कोई भी वैसा यूजर आपके इंफॉर्मेशन को डेटा को नहीं देख सकता है जिसको आप ऑथराइज नहीं किए हैं, तो अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका डेटा डैमेज और लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें अगर बेटर हैं तो आप कह सकते हैं कि जो आपका नेटवर्क है वो इफिशियंट है और इफेक्टिव है।